साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वो जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्य पड़ जाएगा। यह संभवता मिठी जाए, लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थीं, उनका हजारों भाग भी पूरा नहीं हो सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके अलावा सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे खुद पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि ये और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। भगत सिंह कौन थे, कहां के रहने वाले थे, उनका जन्म कब हुआ, इन तमाम बातों का जिक्र हम नहीं करेंगे। वैसे भी भगत सिंह जैसी एक शख्सियत को किसी जगह और तारीखों में नहीं बांधा जा सकता। भगत सिंह अपने आप में एक विचारधारा थे, ऐसी विचारधारा जो सिर्फ मुल्क के आजाद होने की बात ही नहीं बल्कि आजादी के बाद का भारत कैसा होना चाहिए ये भी बताती है। देश की आजादी के लिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ उनके दो साथियों राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दे दी। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत के बाद पूरे देश में ऐसा माहौल बना कि अंग्रेजी हुकूमत की चूने की गई। इसके बाद देश भर के नौजवान आजादी के आंदोलन में कूद पड़े और आखिरकार अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा। भगत सिंह जब राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़े तो उनकी उम्र 24 साल थी। लेकिन इस महान क्रांतिकारी ने इस छोटी सी उम्र में वो कर दिखाया जो किसी की भी सोच से परे है। फिर चाहे जेल में 71 दिन की भूख हड़ताल हो या असेंबली में बम फेंकने की घटना, इस बम को फेंकने का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था और हुआ भी ऐसा ही। भगत सिंह बम फेंकने के बाद वहां से फरार नहीं हुए बल्कि अपने आप को अंग्रेजी हुकूमत के हवाले किया और इसके बाद उन पर चला मुकदमा, वो मुकदमा जिसे सबने देखा और अंग्रेजी हुकूमत का सच सबके सामने आ गया। अंग्रेज भगत सिंह को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझते थे और इस खतरे से निपटने के लिए उन्होंने भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन अंग्रेजों का ये फैसला उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश के युवाओं के खून में उबाल ला दिया। भगत सिंह क्रांति का दूसरा नाम बन गए और हर कोई भगत सिंह की तरह देश के लिए कुछ कर दिखाने के लिए दादाई हो उठा। जिस किसी ने भी भगत सिंह की कहानी सुनी वो अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और इस तरह भगत सिंह ने अपनी शहादत के बाद भी स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी।